आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है हाथ से लिखने वाली जो ऐप है उसको कैसे डाउनलोड करोगे और आपको उसको कैसे यूज करना है, उसकी वीडियो जो है आपको कैसे बनानी है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो ये ऐप देख रहे होगे मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, वीडियो स्क्राइब वाली ये जो ऐप है, ये जो है पहले जो है चलती थी एंड्रॉयड फ़ोन में, लेकिन जो है इसको बंद कर दिया गया किसी कारण से, इसको बंद कर दिया गया है जो अपने मोबाइल पर अब ये यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन अब इसी का ही एक और वर्ज़न है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका नाम है वीडियो स्क्राइब नाउ। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे जो है आप आसानी से जो है वीडियो बना सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है आपको इस पर जाना होगा, उस पर जाके आप जो है आसानी से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से जो आपके सामने इंटरफेस आएगा, जैसे ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, इधर पे आप राइट का आइकन देख रहे हैं, इधर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये लोडिंग लेगा, और ये जो है ये इंटरनेट से ही चलता है ये ऐप। और जो पहले वाला जो ऐप था वीडियो स्क्राइब, तो जो भी क्या नाम है यार इसका, जो भी हो, तो वो भी उसी से चलता है इंटरनेट से ही। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा लोडिंग लेने के बाद, इधर पे आप देख सकते हैं। तो आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, जितनी भी आप ये देख रहे हैं ये इमेजेस, इनको आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद इधर पे जो है आप अपने हिसाब से जो है इसको ऐड करने के बाद इधर पे ऑडियो भी दे सकते हैं। इधर पे माइक के आइकन पे क्लिक कर आप जो है इन पे ऑडियो भी दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। और फिर आपको क्या करना होता है, इधर पे आपको राइट के आइकन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे आप राइट के आइकन पे क्लिक करते हैं और इस तरह से जो देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिक जो है आपकी वीडियो जो है प्ले हो जाती है। तो जो वीडियो है जो बन जाती है, एक हिसाब से डेमो समझ लीजिए, डेमो करके दे रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं। तो इधर पे आपको देखिए बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, इधर पे आप बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हैं। इधर पे आपको लाइन चेंज करने का ऑप्शन आता है, इधर पे जो है आप एक कोई सा भी कलर ले सकते हैं, जिससे कि वही कलर आएगा और कोई सा कलर नहीं आएगा, जो वीडियो के जो भी आप बनाते हो चित्र उस पर जो वही कलर आएगा जो आप इसमें से चूज़ करते हो। लेकिन जो है आपको कलर पे करके रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपकी वीडियो लगती है। फिर इसके बाद जो है इधर पे अगला ऑप्शन आता है फिर से ये बैकग्राउंड पे, ये तो बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, और ये थोड़ा अलग सा बना देता है इसको, थोड़ा और अच्छा लगता है इससे देखने में। और फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बिना हैंड के दिखे, मतलब ये जो हैंड जो बनाता हुआ जो दिख रहा है ये प्रिंटिंग, तो इसको आप नहीं चाहते कि हैंड ना दिखे, तो आप इस पर क्लिक कर देना आपको हैंड के आइकन पे, और आप देख सकते हैं बिना हैंड की भी ये वीडियो जो है बन रही है। तो कुछ इस तरह से जो है ये काम करती है। लेकिन और आपको अगर नया प्रोजेक्ट चाहिए तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इधर पे आपको थ्री लाइन जो दिख रही है ऊपर, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा नया आपका जो आप बनाना चाहते हो। उसको आप क्लिक करने के बाद आपको जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब इधर पर जो है आपको डिटेल में लिख देना सभी चीज़ों को, और इधर पर वो आपके सब्जेक्ट जो आ जाएंगे। फिर आपको, और अगर आपको पुराना जो आपका कोई प्रोजेक्ट आपने बना के रखा है उसको अगर आप आधा करने के बाद आप छोड़ देते हो, तो आप सोचते हो यार उसका पूरा करें, तो यार उसके लिए आपको क्या करना होता है, इधर पे सेकंड नंबर के ऑप्शन पे जाना होता है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो इधर पे आपके सामने वो सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो आपने पहले बना चुके हैं। फिर इसके बाद और आपके इधर पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, साइन इन के बाद इधर पे आपको अबाउट वीडियो स्क्राइबर तो ना हो तो इसका ऐप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है छोटी सी, कि कितने वर्जन का है, क्या है इस टाइप का जो है, इस तरह पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तो और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो ऐप है, ये उन यूट्यूबर्स के लिए नहीं कह सकता यार कि हेल्पफुल होगी, यूज़फुल हो सकती है, जो कि यार हाथ से लिखने वाली वीडियो बनाने की सोच रहे हैं अपने मोबाइल पर। तो यार मेरे हिसाब से ये ऐप उस लायक नहीं है जैसे लायक आप सोच रहे हो कि ये जो है कर सकती है वो काम, तो ऐसा नहीं हो सकता इससे, क्योंकि यार ये आप उस हिसाब से इस पर काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये लोग बात बताते ज़रूर हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि आप ये वीडियो डाउनलोड, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे जो है आप आसानी से जो है आप अपनी वीडियो बना सकते हो। तो यार मेरे हिसाब से आप इससे वीडियो नहीं बना पाओगे, मुश्किल है तो नहीं बना पाओगे। और वैसे आप करना चाहो तो, अगर करने से तो बहुत कुछ हो जाता है भाई, करने की कोशिश करिए, अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मेरे हिसाब से इस पे जो है कोई, बस इतना है कि आप जो है इमेजेस को थोड़ा बहुत जमा सकते हो, और लिखने का है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। बस ये थोड़ा सा डेमो था और कुछ नहीं था। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कह दूँ कि अगर आप चाहते हो कि हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसी पहले जो आपने देखी होंगी कुछ कुछ वीडियो जो हाथ से लिखने वाली वीडियो है, एक बाई मतलब एक एक करके जैसे चलता था स्टेप बाई स्टेप, उस टाइप की आपको अगर चाहिए तो आपको इसके लिए क्या है, ऐप पर जो है परचेस करना होता है। परचेस करने के बाद जो है आप ऐप परचेस कर लोगे तो उस हिसाब से जो मंथली का कुछ आपको रुपये पैसे पे करने होते हैं, उसके बाद जो है आप इस ऐप को जो है यूज़ कर पाओगे। तो भाई बस इतना ही था इस वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना।